हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? इट्स मी रीना जाबालियान एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. कैसे आप सभी? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. तो ये है मेरा हैप्पी बर्थडे वाला व्लॉग. हालांकि बर्थडे मेरा कल है, लेकिन आज से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम व्लॉग क्रिएट कीजिएगा, इसलिए आई एम क्रिएटिंग दिस व्लॉग. तो अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं कि मैं देहरादून से दिल्ली की तरफ रवाना हो चुकी हूँ. फैमिली मेरे साथ है यहाँ पर, एज ऑलवेज मेरे ड्राइवर भैया जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं अंकित वालियान. यहाँ पे मम्मी है, यहाँ पापा है, और यहाँ छुटनकी कहाँ है मम्मी? छुटनकी, अच्छा छुटनकी वो रही सो गई है. तो हम सभी रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, और वहाँ पे हमें मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा मिलेंगे. फिर हम करते हैं कैसा सेलिब्रेशन, वो भी हम दिखाएंगे. ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस. तो देहरादून से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या कुछ हुआ हमारे साथ इस बार. देहरादून से दिल्ली अंकित हमें पहुंचा देता है 5 आवर्स में, लेकिन इस बार पता नहीं अंकित को हुआ क्या था, हमें इतना टाइम लगा दिल्ली जाने में, क्योंकि बातों बातों में ना जहाँ से टर्न लेना था उसे वो भूल गया बातों बातों में, और हम लोग आगे निकल गए. आगे निकलने का मतलब ये है कि पूरा रास्ता हमारा जो है लंबा रूट होता चला गया, और हम लोग रात को काफ़ी देर में पहुँचे. इवन मुझे लग रहा है 11:30 बजे हम दिल्ली पहुँचे, घर पहुँचे. और एज ऑलवेज जो ट्रैफिक होता है दिल्ली का ये देखिए, पर आई लव माई दिल्ली. ये मेरा शहर, ये मेरी सिटी, और यहाँ पर आते ही ना मुझे अच्छी सी फीलिंग आने शुरू हो जाती है. और यहाँ पर ये रास्ते, मुझे वही तमाम चीज़ें याद आते हुए, और इसके बाद हम पहुँचे दिल्ली. पहुँच चुकी हूँ दिल्ली, और ये नहीं मेरी मम्मा आते ही खाना बनाने में लग गई है. तो अब मम्मी ने क्या क्या स्पेशल बनाया मैं दिखा देती हूँ. ये देखिए राइस, ये शाही पनीर, ये मटर मशरूम, वहाँ सैलेड रेडी है, वहाँ मम्मी रोटी बना रही हैं. और जो कि जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मुझे यहाँ का एक जो स्पेशल कॉर्नर जो होता है छोले भटूरे का, वो मम्मी ने मंगवा के रखा हुआ, तो इट्स सो यम्मी. तो मैं तो यही वाला खाने वाली हूँ, और देखते हैं आगे क्या होता है. ओके, आई एम सो हैप्पी क्योंकि ये आप लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ. तो ये मेरे रात के बज गए थे 12, और मेरे लिए स्पेशल केक अंकित लेकर आए थे, और पापा भी लेकर आए थे. तो यहाँ पर केक कटिंग हो रही है, यानी कि 12 बजे रात को. ये है मेरी जन्मदाता, दिखाती हूँ एक बार कैमरा इधर करती हूँ. ये मेरी जन्मदाता है, मेरी मम्मा. वो बन गया मेरा भूत. और वो नहीं मेरी मम्मी जी, जिन्होंने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया. ये है वो जिन्हें मैंने जन्म दिया. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. बहुत सारे गिफ्ट मिले, कामयाब हुआ उसको तो पहले खिलाई नहीं. और मेरे पतिदेव आओ उनके, मीट माय फादर, माय फादर. और वो मेरे पापा जी, मतलब मेरे फादर इन लॉ, जिनसे हमें मिलवाऊंगी. ये बेटी इन लॉ, फादर इन लॉ है. अरे नहीं, पैसे पकड़ भी नहीं, इसकी क्या जरूरत है. तो फैमिली के साथ केक कटिंग की सेलिब्रेशन हमारा लेट नाइट हुआ, और उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग रवाना हो गए खाटू श्याम के लिए. तो ये रास्ते में जाते हुए खाटू श्याम, और मेरे लिए वाकई में ये बर्थडे काफ़ी यादगार रहा, क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा बर्थडे एक स्पेशल, दूसरा ये कि इसी दिन शिवरात्रि, और तीसरी खुशी ये कि मैंने अपने बर्थडे वाले दिन खाटू श्याम के दर्शन किए, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जहाँ हम जा रहे हैं मेरे बर्थडे वाले दिन खाटू श्याम, उसका भी व्लॉग है, तो आप ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर लव.